महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है, ज़रूरत क्या है और तकाजे क्या है, इस हवाले से कुछ गुजारिशात उनवाने गुफ्तगू रहेंगी। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला अपनी नाराज़गी वाले जुमले से महफूज फरमाए, अपनी रिजा वाली बात करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दें जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले, वबी रहमत ही और उसकी रहमत मिले, फबी ज़ालिक फ़लयफ़रहू, तो इन्हें चाहिए कि खुशी का इजहार करें। सूरह यूनस की आयत नंबर 58 है, जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो खुशी का इजहार करो, खुशी का। इस्लाम मुसर्रतों का दीन है, खुशियों का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के अंदर वो हुसन था कि कायनात सारी हुजूर की मुस्कुराहट की वजह से ही मुस्कुरा रही है। हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो मैं मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। पहले दिन मैं हुजूर से मिला तो नबी पाक मुस्कुरा रहे थे, फिर 10 साल मैं हुजूर को देखता रहा, और हुजूर के विसाल से चंद दिन पहले मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई तो उसमें भी मैंने अपने नबी को मुस्कुराते ही देखा है। और फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो इस तखय्युल को और रंग में लिया है, वो कहते हैं हुजूर के मुस्कुराने से ही दुनिया मुस्कुराती है। फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जब हुजूर हल्का सा मुस्कुराते थे तो रोने वालों के दिल भी ठंडे हो जाया करते, गमजदा लोग मुस्कुराते थे, हुजूर की खुशी खुशियां तकसीम करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना उम्मत के दिलों को ठंडा करता था। फरमाया जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और फरमाया ये नहीं था कि हुजूर बड़े तकल्लुफ से मुस्कुराते थे, हुजूर की तो आदत थी, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्कुराते रहना खुशी का इजहार। इस्लाम बहुत सारी चीज़ों का इंसान को पाबंद करता है, हुदूद व कुयूद में रहने का हुक्म देता है। सहाबा किराम अली मुरिदवान के यहाँ शादी के मौके पर बारात लेकर के जाने का कोई रिवाज नहीं था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मालदार लोग भी शादी करते हैं तो नबी पाक के बगैर भी बारात चली जाती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस तरह का कि ढेरों बारात लेके जाई जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सफ़ेद कपड़े पर पीला जर्द निशान था, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ ये दाग काहे का, अर्ज़ की हुजूर कल मैंने निकाह किया था। तो महबूब ने जो इरशाद फरमाया उसमें फरमाया बड़ी अच्छी बात है, वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करना, बारात नहीं लेके जाई जाती थी, वलीमे का हुक्म दिया। और बुखारी में नबी पाक ने यह भी फरमाया जब तुम्हें को वलीमे की दावत दे तो जाया करो। अच्छा, अब शादी के मौके पर जो बारात लेके जाई जाती है तो अगरचे हुजूर की सुन्नत नहीं लेकिन उसे हम हराम नहीं कहते, उसे हम नाजायज नहीं कहते, हम नहीं कहते कि ये तूने गलत किया। अगरचे ले जाना हुजूर से साबित इस मुरवजा अंदाज में साबित नहीं इस तरह हमारे यहां जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे नाजायज। किसी सहाबी ने अपने बच्चे की शादी पर अपने घर में लाइटिंग नहीं कराई, लेकिन आपको दुनिया का कोई आलिम यह फतवा नहीं दे सकता कि लाइटिंग कराना हराम है। आप शादी के मौके पे सारी गली सजा लो, आप सारी छतों पे लाइटिंग करा लो, कोई आदमी ये आपको फतवा नहीं दे सकता कि शादी के मौके पर लाइटिंग कराना जायज नहीं। कभी सुना है आपने किसी से? बोलिए, ये जायज है, जायज पैसे हैं तो ठीक, बल्कि मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, इससे थोड़ा और आगे जाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा जो कमरा था ना जिसमें मैं हुजूर के साथ रहती थी और एक लंबा जिंदगी का अरसा गुजारा, उसमें तीन आदमी सो सकते थे, चौथे के लिए जगह ही नहीं थी और कच्चा था, खजूर के तने खड़े करके उस पर खजूर के पत्तों की छत डाली गई थी। मैं जब हाथ उठाती थी तो मेरा हाथ अपनी छत को छू जाता था। ये है सुन्नत नबी पाक की।
ये हुजूर का तरीका है। बताइए पक्के घर में लेंटर वाले घर में रहना जायज़ के नाजायज? क्यों जी, हुजूर तो कच्चे मकान में रहते थे, आपने कैसे पक्का बना लिया? अल्लाह की महबूब अली दीन को उसकी असल बात में समझें। आप ऐसा ना करें जिसमें इंतशार और उम्मत तकसीम हो, उसका असल मिजाज देखें। मेहंदी के मौके पे अगर कोई आदमी 6 दे गए दाल चावल की पकाता है तो मना नहीं, जायज पैसों से पकाए। उन्हें लाइटिंग लगवाई कोई मना नहीं, सारे मोहल्ले को खाना खिलाया कोई मना नहीं, बल्कि नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान ही वो है जो सलाम पहले ले और रोटी ज्यादा खिलाए, तो बेहतरीन मुसलमान है। नाजायज क्या है? नाजायज है शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाना, उसमें रक्स करना, उसमें भंगड़े डालना, औरतों मर्दों का इख्तलात होना, औरतों की मूवी बनाना, ये चीजें नाजायज है। तो जो नाजायज है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो जायज है उसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई एहतियात की जाए, सुन्नत की तरफ देखा जाए तो बेहतर यही है। लेकिन कोई किसी आदमी के पास जायज पैसे हों, वो 100 कनाल के घर में रहे, अगरचे सुन्नत ये नहीं, पर ये तो कोई फतवा नहीं ना दे सकता कि हराम है तेरा 100 कनाल के घर में रहना, के है फतवा कहीं आपने सुना? तो हमारे यहां तकलीफ का मामला ये है। देखे मेरे भाई, किसी भी सियाबी ने, बड़े दर्द के साथ बात कर रहा हूं और ये मेरा दर्द है, मैं दर्द से अपने दिल को अपने ईमान को हाजिर नाजर कह के बात कर रहा हूं। उम्मत बट जाती है हर मौके पे यार, हर जगह ही तकसीम हो रही है उम्मत मुस्लिमा। हर रोज कुछ ना कुछ फतवे ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दराड़ें पड़ती हैं। किसी सियाबी ने किसी मस्जिद के अंदर इश्तेहार छपवा के ऐलान करा के दरसे कुरान कराया कभी? सीरतुन नबी का जलसा, खत्मे बुखारी, मदरसे का दस्तारे फजीलत का जलसा, आपने इश्तेहार पढ़े हैं ना? ये सारे मकाते बेफिक्र के होते हैं कि नहीं होते? किसी सियाबी ने इस तरह, वो तो रोज दरसे कुरान देते थे, लेकिन इस तरह इश्तेहार छपवा के, पोस्टर लगा के, और मिस्र से किसी सियाबी को स्पेशल बुलवा के या यमन से बुलवा के मस्जिद के अंदर कभी दरसे कुरान के इस्तेमाल कराए? सीरतुन नबी के जलसे, खत्मे बुखारी के? ओ भाई, ये सारी चीजें हुजूर के सियाबा की सुन्नत से मुरवजा अंदाज में साबित नहीं। मुझे बता मेरे भाई, मैं दर्द के साथ तुझसे सवाल करता हूं कि सीरतुन नबी के जलसे में तू पेशावर से मौलाना बुलाए, पिंडी से बुलाए, तू गुजरात और कराची से लोगों को बुला करके अगर सीरत का जलसा कराए और तू उसमें एक आदमी को कराची से बुलवाया जा रहा है तो तूने उसको 20,000 की टिकट भी दी और इश्तेहार पे भी जलसे पे खर्च हुआ, फिर लंगर भी पका, खाना भी तूने खिलाया, ना तुझे कोई बेवा याद आई, ना तुझे कोई मिस्कीन याद आया, ना तुझे कोई गरीब याद आया। हालांकि कहना चाहिए था ना, ये जो लाख रुपया लग रहा है किसी बेवा की खिदमत कर देनी चाहिए, यतीम को दे देना चाहिए। दर्द के साथ बात कर, सवाल मेरा ये है कि वही काम जो सीरत के जलसे में होते हैं, पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर किसी आलिम का बयान होता है, वही काम सिर्फ नाम बदल के किया जाए, ईद मिलादुन नबी नाम रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आपके जहनों पर दस्तक दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ दस्तक दे रहा। ओ भाई देखो, एक आदमी वही काम नाम बदल के करे तो जायज है, और अगर उसमें नबी पाक के मिलाद का नाम रख लिया जाए या नात का नाम रख लिया जाए तो फिर मुझे इजाजत दे मैं तुझसे सवाल करूं कि सिर्फ तुझे हुजूर की तारीफ पूरी लगती है? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि सिर्फ तुझे नात अच्छी नहीं लगती? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि तुझे सिर्फ रसूलुल्लाह के कसीदे अच्छे नहीं लगते? दे मुझे इजाजत कि मैं तुझसे सवाल करूं कि जहां जिक्र रसूल की बात आए वहां तू परेशान क्यों होता है? तुझे पता ही नहीं ये तो वो जिक्र है कि रब फरमाता है तुम बयान करो ना करो वरफा ना अल्लाह का जिक्र। महबूब, मैंने खुद तेरे चर्चे सारी दुनिया में बुलंद फरमा दी है। और नबी पाक ने पूछा हजरत जिब्रील से कि चल जिब्रील तू बता मेरी उम्मत को पता चले रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। तो जनाब जिब्रील कहने लगे महबूबा रब फरमाता है मेरे नबी से कह दे जहां जहां तेरे रब का जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होता रहेगा। ये तो मोहताज ही नहीं किसी का। इतनी जल्दी लोग बिफरते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफरह। महबूब इनसे कह दो जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तेरा नहीं मुझे पता, मुझे तेरा नहीं पता,
लेकिन मुझसे अगर तू पूछे तो कायनात में रब का सबसे बड़ा फजल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है और सबसे बड़ी रहमत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है। वो दो आलम की रहमत थे, वो जहाँ चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रब करीम ने तुझे आँख दी, दुनिया देखी तूने। रब करीम ने तुझे कुव्वत दी, तूने दुनिया घूमी। और फिर रब ने तुझे बेटे दिए तो मीठा मेवा, और बेटियां दी तो तेरे लिए बाईसे करम। तेरी छाती पे बच्चे चढ़े तो तूने कहा सबसे बड़ी नेमत यही है। कि मालिक कहता है तू मेरा बंदा था, मैंने देना ही था, तूने दिया, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपना नबी दिया तो कहा मैंने बड़ा एहसान किया तुम पे। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़बअसा फीहिम रसूला, मैंने तुम पर एहसान किया है। कौन देता है किसी को महबूब अपना, न जाने रब ने ये कैसे गवारा किया। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़बअसा फीहिम रसूला, इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा फजल, फजल भी हुजूर। और जब बात रहमत की आई तो फरमाया मोमिनों सिर्फ तुम्हें ही नहीं, ईसाइयों, यहूदियों, सिखों, दुनिया में जितनी मखलूक है, हत्ता के जानवर भी, हत्ता के चूंटियां, निबादात, जिबादात, हर चीज। या अल्लाह तूने क्या दिया? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैं जिस जिस का रब हूं उन सब के लिए मैंने अपने नबी को रहमत बना के भेज दिया है। बेटे के आने पे तो मिठाई बांटता है, मिलाद वाले दिन तो लाइटें बंद कर लेता है। बेटे के आने पर तू हलवाई बिठाता है, और नबी पाक के नाम की लाइटें लगी हों तो तू परेशान होता है। हमसे कभी पूछ तुझे बताएं, बस नहीं चलता, वरना ताड़े तोड़ के छतों पे लगा दे, बस नहीं चलता। फरिश्तों को भी कहे आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा का नारा लगाना है, हमारा बस नहीं चलता। वरना दुनिया की सारी नेमतें बिछा दे और लोगों को बतलाएं कि असल तो खुशी मनाने का दिन ही आज है, जब अल्लाह ने हमें अपना प्यारा रसूल अता फरमाया है। और हमारे इमाम तू कहता है मिलाद ना कर, हमारे इमाम ने तो कहा हशर तक डालेंगे हम, हशर तक। ये दो चार दिन का तो प्रोग्राम ही नहीं हमारा, हशर तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुव जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारा तो एक दो दिन का प्रोग्राम ही नहीं। और फिर सुनो कितनी बड़ी नेमत है। हजरत अब्बास से किसी ने कहा था अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, तो बुखारी उठा ना, फरमाने लगे मुहम्मदुन नेमतुल्लाह, बुखारी है बुखारी, फरमाया मुहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे